हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ सिटीज स्काइलाइन। तो भाई एकदम मस्त तड़ाकेदार बढ़िया शहर चल रहा है हमारा, ये देख लो भाई। ठीक है, यहाँ पे मस्त फार्मिंग हो रही है। हमने ये जो फार्मलैंड बनाए थे वहाँ पे मस्त फार्मिंग हो रही है। देखो ये ट्रैक्टर जा रहे भाई, दो लाल लाल बढ़िया बढ़िया। और ये तो क्रिमेटोरियम है, यहाँ पे क्रिमेटोरियम कहते हैं ना, अरे नहीं सिमेट्री कहते हैं, सिमेट्री है ये। यहाँ पे मतलब जो डेथ वगैरह हो रही है लोगों की, वो उनका यहाँ पे अपना फनरल वगैरह हो रहा है। और ये भाई मस्त विलेज है हमारा, ये मस्त शहर चल रहा है यहाँ पे। और ये भाई फैक्ट्री है और मस्त प्रॉफिट हो रहा है भाई। देखो 77,000 रुपीज़ हो चुके हैं मेरे पास अब तक, और भाई 6,408 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अरे माइनस चला गया, 6,007 हो गया। तो देखो अब डिमांड आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे हमारे इसकी रेजिडेंशियल एरिया की भी, फैक्ट्री एरिया की भी, और भाई वो कमर्शियल जोन की भी आ रही है बहुत ज़्यादा डिमांड। तो सबसे पहले भाई सबको करते हैं कंप्लीट, डिमांड की कंप्लीट करते हैं। तो भाई डिमांड तो देखो, फैक्ट्री एरिया जैसे अपन ने इस साइड बनाया हुआ है ना, कि तो हम एक फैक्ट्री एरिया सेम इस साइड भी तो बना सकते हैं, ऐसी प्रॉपर एक फैक्ट्री एरिया उस साइड भी तो बना सकते हैं। तो उसी फैक्ट्री एरिया को उधर की साइड बढ़ाते हैं, उधर पूरा प्रॉपर एक फैक्ट्री एरिया बढ़ाते हैं इस साइड भी, और पूरा प्रॉपर फैक्ट्री एरिया बनाते हैं इस साइड भी। तो उसके लिए मेन तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ भाई, जो मेरे को इसमें ना अपग्रेड करनी है दो चीज़ें, तो मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ अब चीज़ें, क्योंकि भाई पैसा हो चुका है, 80,000 रुपये हो चुके हैं। तो फिलहाल अपग्रेड लगाते हैं चीज़ों का। तो अपग्रेड करने के लिए भाई मैं सबसे पहले चाहता हूँ जो ये रोड है ना, ये जो मैंने डबल रोड लगा रखा है, यहाँ पे बनाएंगे हम प्रॉपर हाईवे। जैसे हाईवे जा रहे हैं ना, प्रॉपर सीधे सीधे लंबे लंबे रोड लगाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा यही अपग्रेड करना चाह रहा हूँ मैं। तो अपने पास थोड़ा वो लंबे चौड़े वाले रोड भी आ गए, क्योंकि ये रहा देखो लंबा चौड़े वाला रोड यार एक। ठीक है, 80 रुपये पर सेल का है भाई ये। और एक बार चेक करता हूँ मैं कितने का पड़ेगा ये वैसे मेरे को, यहाँ से यहाँ तक का 14,000 रुपये, मतलब 14+14 28,000 रुपये खर्चा है भाई मेरा ये। तो मैं तैयार हूँ भाई 28,000 रुपये खर्चा करने के लिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कि 28,000 रुपये का ये रोड लगाने वाला हूँ प्रॉपर यहाँ पे आगे। तो करते हैं उसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो मेरे को ये सारा तोड़ना पड़ेगा पहले मेन, तो ये जितना भी रोड बना हुआ है ना मैंने, ये सारे रोड तोड़ना, ये पूरा रोड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो यहाँ के घर वगैरह ये सारे टूटेंगे, ये इधर के घर गायब होंगे सारे, ये कि ये जब पूरे में रोड जाएगा ये इसमें जाएगा, मतलब इतना एरिया बनेगा सारा आगे का, बाकी सब टूट जाएगा ये। तो भाई देखो मैं प्रॉपर सारा कुछ तोड़ दिया, अब इसको तेज कर देता हूँ यार गेम को फटाफट से, सारे घर वर हट जाएंगे और यहाँ से बस इतना तेज कर देता हूँ। पैसे में पैसे अभी नाउ डाउन पर जाएंगे नहीं, बढ़ेंगे ही, क्योंकि अपनी फैक्ट्री बढ़िया चल रही है। जो ये है ना फार्म लैंड भाई, ये बहुत पैसा कमा के दे रही है हमें, फार्म लैंड बहुत पैसा कमा के दे रही है इस समय। ये आई है, ये इधर से ले लेते हैं ना ऐसे पूरा सीधा भाई, मेरे को लेना तो पूरा सीधा है बस, कुछ भी हो गया सीधा लेना है बस। और यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं, नॉर्मल से उस पर लेके चलते हैं इसको वापस से, क्योंकि ये आने जाने का रोड बनेगा ना प्रॉपर, तो गैप रखेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। देखो ये सही चीज़ है ना, यहाँ पे ट्रैफिक लगना थोड़ा सा कम हो जाएगा, अब इससे क्या होगा ट्रैफिक कम लगेगा, जो भी एग्जिट करना करेगा ना, जो भी यहाँ से एग्जिट करेगा इधर ही जाएगा, इधर से ऐसे घूम के पूरा जाएगा तो एग्जिट होएगा उनका, ऐसे नहीं होएगा एग्जिट। ठीक है, और जो यहाँ से आएगा वो यहीं से ऐसे ज्वाइन करेगा। तो और इसको अब यहाँ से ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया कनेक्शन। ठीक है, और एक बीच में से भी कनेक्शन दे देते हैं, बीच में भी कनेक्शन देना जरूरी है थोड़ा सा, ये पूरा पूरा अगर ये गोल गोल घूमेंगे ना तो भी ट्रैफिक लगाएंगे। जैसे ये फैक्ट्री एरिया है ना, यहाँ पे हमें ट्रैफिक कनेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि जो भी रोड फैक्ट्री के लिए इधर से ऐसे जाएंगे लोग, वो वापस भी आना चाहिए ना, तो वापस आएंगे तो यहीं से कनेक्शन दे देते हैं एक ये कनेक्शन मैंने यहाँ से दे दिया एग्जिट के लिए। और ये वैसे बनाते हैं बोथ वाला बना देता हूँ, रुको इसको अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और डबल रोड लेते हैं एक डबल रोड ये रहा, और इसको अपडेट कर देते हैं, ये ऐसे डबल वाला होना चाहिए। ठीक है, ये बीच में दो डबल वाला कनेक्शन देना चाहिए ना, यहाँ पे जगह जगह पे होना चाहिए बीच में डबल वाला कनेक्शन, ताकि ट्रैफिक कम लगे। मेन तो ट्रैफिक का ही मोटिव होता है ना, कि ट्रैफिक नहीं लगाना हमें। एक यहाँ दे देते हैं एंड एक यहाँ दे देते हैं, ये बीच बीच में हो गया। ठीक है, तो लोग वापस से सेट कर दिया मामला सारा मैंने। ठीक है, और अब गेम को स्टार्ट करेंगे तो वापस से घर वगैरह बन जाएंगे यहाँ पे 2 मिनट में, ज़्यादा देर लगाएंगे नहीं ये लोग। ठीक है, और रास्ते वगैरह सेट हो गए हैं वापस से सारे। पानी की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये है जो बिजली यहाँ से कट हो गई ना, इसलिए पानी की दिक्कत आ रही है। और बिजली अभी आ जाएगी वापस यहाँ पे, जैसे घर बनेंगे ना तो बिजली आ जाएगी, पानी ठीक हो जाएगा सबका। हाँ भाई, मेरे को भी पता तुम्हें पानी की इशू हो रही है थोड़ी सी, मुझे भी पता है, पर यहाँ पे एक बार घर बनने दो, उसके बाद सबका इशू सॉल्व। ठीक है, तो ये गेम तो मैंने फर्स्ट किया ही हुआ है। और देखो जैसे जैसे अभी धीरे 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 पैसे तो हमारे प्लस में ही है अभी भी, और पैसे प्लस में क्यों है मैं दिखाता हूँ रीज़न आपको। ये देखो, ये हमारा फॉरेस्ट का मेन लैंड, एक मिनट को ये देखो, यहाँ पे देखो कितना प्लस में जा रहा है, 3,000 भाई, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को
मैंने चक्की वगैरह सब कुछ लगा दिया है, तो यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है भाई। आटा वाटा सब बिक रहा है हमारा, ट्रक आ रहे हैं लगातार देखो, और ट्रैफिक ना कम लगेगा अब, ठीक है। और मेन जो है ट्रैफिक लाइट बंद कर देते हैं सारी, ट्रैफिक लाइट लग गई होंगी अभी फिर से। देखो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लग गई, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लग गई, ट्रैफिक लाइट सारी बंद करनी पड़ेंगी भाई फिर से, नहीं तो मेन हाईवे पे ट्रैफिक लाइट तो लगानी नहीं चाहिए भाई, मेन हाईवे है भाई ये। हट गई भाई सारी ट्रैफिक लाइट, हट गई भाई। मस्त छोटी छोटी फैक्ट्रीज बन गई आगे, देखो यहाँ पे छोटा छोटा इलाका दिया था ना मैंने, वहाँ पे साहब ने छोटी छोटी फैक्ट्रीज बना ली अपनी, और यहाँ घर वगैरह बन गए। पानी चला गया, हाँ भाई बिजली आ गई भाई पानी वालों को, तो पानी आ गया प्रॉपर। गार्बेज का इशू क्यों आ रहा है? ओह ये फुल हो गया भाई, नो मोर रूम आ गया भाई, वो गार्बेज वाला फुल हो गया भाई, हमें गार्बेज को और बनाना पड़ेगा। तो यार आप सबसे पहले एक लैंड और खरीदते हैं, पैसा बहुत है अपने पास, ठीक है। तो यार लैंड शायद आ जाएगा, हाँ 5,000-700 रुपये का है बस, एक ही लैंड लूंगा अभी, ज़्यादा नहीं लेंगे, हाँ एक ही लैंड लेते हैं, क्योंकि यार हम इसी को थोड़ा आगे आगे अपग्रेड करेंगे, इसको आगे आगे बढ़ाएंगे प्रॉपर, ठीक है। और ये जो देखो टेढ़ा मेढ़ा किया था ना, इसको वापस सही करना है हमें, इसको सही करते हैं। तो पहले तो भाई देखो भाई मैंने याला भी सीधा कर दिया है, बिल्कुल मैंने सही कर दिया है। और भाई तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा हो चुका है कि जितना भी मिट्टी का है ना रोड, ये सारा हम सीमेंट का बना सकते हैं। तो भाई इसको फटाफट से ना मिट्टी के रोड को पूरे को सीमेंट के रोड पे कन्वर्ट कर देते हैं। ये कितने का? ये भी 40 साल का है, और ये भी 40 साल का। तो ये ले लेते हैं ना भाई, इसमें 7 साइड में चलने वाला भी है, मतलब इसमें साइड वॉक्स भी है, इसमें साइड वॉक नहीं है, 2 लेन रोड है सिर्फ ये, तो साइड वॉक वाला ले लेते हैं। और ये कितने का है? ये भी 40 साल का है, ये बस इसमें मीडियम है बीच में, पर हम ये वाला ले लेते हैं साइड वॉक्स वाला, और पूरे को अपडेट कर देता हूँ जितने भी रोड है ना यहाँ पे अपने, ये 2 लेन रोड बना, 2 लेन रोड जितने भी यहाँ पे ये लगे हुए हैं ना बीच में, ये मिट्टी के सब में ये रोड लगाते हैं। तो इससे क्या है, थोड़े नॉइस भी कम होएगा, थोड़ी धूल मिट्टी भी कम होएगी, और इससे हमारा क्या है ना, जो भी अपने घर वगैरह हैं ये थोड़े जल्दी जल्दी अपग्रेड मारेंगे अपने आप को ना, इसलिए यूज़ करा जाता है ये रोड। अब आगे मिट्टी का रोड लगाने ही नहीं है भाई, अब तो पैसा इतना हो गया ना, स्टार्टिंग में पैसा 20,000 रुपये देते हैं तो भाई क्या ही कर सकते हैं, मिट्टी के रोड तो लगाने ही पड़ेंगे ना स्टार्टिंग में, तो अब तो आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। सही बात बोली ना भाई, तो फटाफट से मैं फटाफट ये रोड सारे कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई मैंने देखो सारे रोड अपग्रेड कर दिए, जितने भी रोड थे यहाँ पे सब अपग्रेड कर दिए। और भाई कूड़े की दिक्कत आ गई, रुको कूड़े में क्या दिक्कत आ गई, फैसिलिटी फुल हो गई भाई कूड़े वाली। भाई यहाँ पे ना एक और लगाना पड़ेगा कूड़ेदानी, तो भाई सबसे पहले तो फिर फैक्ट्री एरिया ही अपग्रेड थोड़ा वो लंबा कर देते हैं, ये रोड हमने खरीद तो लिया ही था, अब इसको फटाफट से यहाँ से थोड़ा बढ़ा देते हैं फैक्ट्री एरिया को, इसको गेम को स्लो कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि भाई लो उसमें जाने लग गए। देखो हम 6,000 से कहाँ 2,000 पहुँचा दिया भाई, 6,000 से कहाँ 2,000 पहुँच गए हम। अभी इतना अपग्रेड कर देता हूँ रास्ता ना, इतना बड़ा बना देता हूँ पूरा एक बार ही, देखो भाई पूरा अपग्रेड कर दिया मैंने लंबा कर रखे, ठीक है। और ये कितने का लिया हुआ है ये, मैं ये चेक कर लेता हूँ, एक बार को कॉस्ट चेक करनी है बस मुझे यार, कॉस्ट दिखा दो एक बार कि कितना कॉस्ट लगेगा। 800 कॉस्ट के बाद, ठीक है, तो 800 कॉस्ट देख लेता हूँ मैं कहाँ तक है, यहाँ तक है 800 कॉस्ट, ठीक है। तो ये 800 के बाद ऐसे कर देते हैं इसको, ये हो गया हमारा सारा फैक्ट्री एरिया, डबल लंबा फैक्ट्री एरिया बना दिया मैंने यहाँ पे। और अब गार्बेज का लगा देते हैं फटाफट से एक यहाँ पे, ये लो जी गार्बेज का एक और लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये क्या है? ये रिसाइकलिंग सेंटर है। ओ भाई ये रिसाइकलिंग सेंटर भी लगाते हैं, इससे क्या होगा ना, जो ये गार्बेज पाइल अप हो गया ना, ये रिसाइकलिंग सेंटर में जाके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा पाइल्ड अप गार्बेज सारा। तो ये रिसाइकलिंग सेंटर भी लगा ही देते हैं भाई, पैसे खत्म हो गए पर 8,000 रुपये बचे बस मेरे पास अब। तो अभी ये बना ही दिया तो यार फैक्ट्री एरिया भी दे ही देते हैं ना प्रॉपर, कि यहाँ पे फैक्ट्री बना लो, इनको फैक्ट्री की डिमांड आ ही रही है बहुत ज़्यादा। तो ये लो भाई यहाँ पे प्रॉपर अपनी फैक्ट्रीज बना लो, किसने रोका तुम्हें भाई, फैक्ट्री एरिया मैंने प्रॉपर इसको देखो इतना लंबा फैक्ट्री एरिया ही दे दिया, यहाँ पे प्रॉपर फैक्ट्रीज बन जाएंगी। पहले एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है ना, अगर कोई नेचुरल रिसोर्स हो तो फिर नहीं देंगे इस एरिया में फैक्ट्री, ये इस टाइप की कोई नेचुरल रिसोर्स वाली फैक्ट्री देंगे फिर नहीं, यहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है भाई। यहाँ पे है देखो यार, यहाँ पे फर्टाइल एरिया है, यही फर्टाइल है भाई, हाईली फर्टाइल एरिया है। और ये देखो यहाँ पे भाई ऑयल, कितना ऑयल है भाई, यहाँ पे हम ऑयल की फैक्ट्री लगा सकते हैं प्रॉपर। तो भाई यहाँ पे ऑयल की फैक्ट्री लगाएंगे इस साइड, ये सारा तेल ही है ना, हाँ ये ऑयल है भाई, भाई तगड़ी बात है भाई, ये तो तगड़ी बातचीत चल रही है। और यहाँ पे और मिल रहा है और की फैक्ट्री यहाँ लगा देंगे, ऑयल की यहाँ लग जाएगी, वैसे फार्मिंग की हमारी एक यहाँ लगी चुकी है छोटी सी, एक यहाँ और लगा देंगे फार्मिंग की, पैसा फार्मिंग से ही पैसा बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इधर भी लग सकते हैं फार्मिंग पर, वो हाईवे हो गया मेन, तो उधर का हम नहीं लेंगे यूज कर पाएंगे, इधर का यूज कर सकते हैं, इधर का यूज कर लेंगे आने वाले टाइम में। तो अभी तो जो हो रहा है वो अभी चलने दो, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमारी फैक्ट्री एरिया तो बन के तैयार हो गया, बन रहा है धीरे धीरे बनने दो। तो इधर तो भाई हमारा नेचुरल वो है ओर वगैरह, तो उधर तो मैं बनाऊंगा नहीं, अब देखो उधर दिखाता हूँ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास ऑयल, हम यहाँ पे ऑयल की फैक्ट्री बना सकते हैं प्रॉपर। ये देखो ये पूरे में ऑयल की फैक्ट्रीज बना देंगे इतने में भाई, पूरे में ऑयल फैक्ट्री बन जाएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो उधर तो घर बनाने कोई फायदा नहीं है, अब इधर की साइड ही घर बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले तो वो देते हैं इसको, रास्ता बनाना पड़ेगा हमें, रास्ता बनाते सबसे पहले तो आगे का। तो भाई रोड बनाते बनाते देख लो बिल्कुल पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो फिर मैंने क्या किया, गेम ऑन कर दिया साथ साथ और भाई फुल स्पीड में ऑन कर दिया। अब ये धीरे धीरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और रोड हमारा बनता, मतलब ये रोड बनते रहेंगे उसी पैसों से। तो देखो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे शुरू होते जाते हैं, रोड बनाते रहेंगे और भाई साथ साथ ना जोन भी देते हैं, रुको
कमर्शियल जोन तो मतलब मैंने ये अपना फैक्ट्री का तो एरिया दे ही दिया कि यहाँ पे फैक्ट्री बना लो, फैक्ट्री का जोन दे दिया, ये दुकानों का देते हैं, और इधर भाई ये घर का भी देता हूँ कि यहाँ पे भाई अपना प्रॉपर घर वगैरह बना लो, ताकि यार अब लोग आ जाएंगे तो यार क्या होगा ना, अपने को मतलब पैसा बनना शुरू हो जाएगा, मेन अभी पैसा चाहिए, अभी तो पैसे के लिए भाई कुछ भी करने होते आ रहे हैं इंसान ना, तो वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन पूरा पैसे वैसे का शुरू करते हैं काम सिलसिला। तो और पानी की दिक्कत आने लग गई तो भाई पहले पानी देते हैं, 13,000 रुपये तो ही गए इकट्ठे, तो पानी की पाइपलाइन डाल देता हूँ पहले एक बार यहाँ पे, एक ऐसे डाल देते हैं, एक सीधी यहाँ पे डाल देते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसे, ठीक है, और एक यहीं से सीधी बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी चली जाएगी जो कि बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी सीधी आके लो, तो पानी सबको मिल जाएगा यहाँ पे, जितने भी मैं बनाऊंगा ना सब में पानी हो जाएगा। 10,000 रुपये हो गए अभी इकट्ठे वापस से, तो फटाफट से दोबारा से रोड बनाना शुरू करते हैं। तो एक ही ऐसे आ जाएगा, ये फिर से ऐसे उठा के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो भाई देखो पूरा प्रॉपर बना दिया मैंने, इतना लंबा चौड़ा ग्रिड पूरा बना दिया ये, और भाई फटाफट से अब जोन वगैरह बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले कमर्शियल जोन ले लेते हैं, जहाँ जहाँ कमर्शियल जोन बनाना है ना वहाँ वहाँ पे कमर्शियल जोन बना के खत्म करते हैं काम पहले। तो ये चार का यहाँ पे चार चार कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लो भाई यहाँ पे पूरा कमर्शियल जोन बना लो प्रॉपर अपना तुम लोग, ठीक है। और जो इधर एक लाइन आई रही है ये तीन लाइन की, तो ये पूरा तीन लाइन कमर्शियल जोन में ही जाएगी सीधी सीधी, और एक यहाँ पे भी कमर्शियल जोन बना लो तुम लोग अपना। ये लो भाई प्रॉपर जो लाइन आ रही है ना सामने से उसी लाइन में ले लिया। और भाई यहाँ पे मिक्स कैसे हो रही है लाइन, यहाँ पे कमर्शियल जोन की लाइन है तो कमर्शियल जोन ही बनना चाहिए ना यहाँ पे, मिक्स कैसे कर रहे हो भाई तुम लोग लाइन यहाँ पे, जब कमर्शियल जोन आ रहा है उधर से तो कमर्शियल जोन ही बनना चाहिए। तो लो भाई प्रॉपर इसको भी मैंने ऐसे कमर्शियल जोन का नाम दे दिया, एक पूरा यहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल जोन बन जाएगा, इधर दुकानें बन जाएगी, इधर बीच में इधर एक दो दुकानें इधर बनवा देता हूँ मेरे को, ये ऐसे चार और इधर पूरा ऐसे चार, ये देखो बीच में यहाँ पे दो कमर्शियल जोन की बना दिया। और भाई अब जो बाकी बचा कुचा एरिया ना वो सारा बन जाएगा हमारा रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, ये सारा बाकी बन गया रेजिडेंशियल एरिया। तो लोग रहने भी लगेंगे, कमर्शियल जोन भी बनी रहा है और फैक्ट्री एरिया तो मैंने बनाई दिया है, और भाई कबाड़ी वगैरह का तो बनाई दिया, देखो यहाँ पे गार्बेज वगैरह यहाँ पे सारे इकट्ठा होगा गार्बेज वगैरह, भाई पानी कमी होगी सारे घर में, भाई एक एक मशीन और शुरू करनी पड़ेगी, नहीं बिजली की कमी हुई है, बिजली की कमी से पानी कमी हुई है, रुको वही चेक कर लेते हैं किस कमी किसकी हुई है बिजली की। हाँ भाई बिजली की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो बिजली की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भाई सबसे पहले तो हमें यहाँ एक बिजली का पावर प्लांट एक और लगाना पड़ेगा, तो वो लगा देते हैं यहाँ पे एक और, कहाँ लगाया जाए पर बिजली का पावर प्लांट, यहीं लगा देते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं यहाँ लगा देते हैं भाई बिजली का पावर प्लांट, और लो भाई बिजली बिजली अब मिल जाएगी उसको, तो पानी आ जाएगा हर जगह, और वाटर की अवेलेबिलिटी सही आ गई अभी तो, वाटर की मतलब जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, देखो वाटर भी कम ही हो रखा है बिल्कुल येलो लाइन पे आ गया, तो अभी जैसे जैसे घर बनते जाएंगे वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, तो एक टावर ऑन कर देता हूँ मैं, ये लो भाई एक टावर और ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी होगी, ट्रीटमेंट का भी सही है अभी तो, अभी ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है वाटर का भी, नहीं तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दो लगे हुए हैं ना अभी और लगाने पड़ सकते हैं ट्रीटमेंट प्लांट। और तो साथ के साथ भाई एक और अचीवमेंट कंप्लीट होगी 5,000 की, भाई बिजी टाउन हो गए 5,500 हो गए हमारे अब, ये सही है भाई 5,500 हो गए अपने पास लोग। तो भाई अब जो यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री बना सकते हैं ना उसकी तेल की, तो भाई वो बनाने वाला हूँ मैं फटाफट से, तो एक तेल की फैक्ट्री बनाते हैं फटाफट, ठीक है। तो तेल की फैक्ट्री बनाने के लिए, और एक तो ये क्या हो गया भाई, और यहाँ पे लोग रोड पे पार्किंग क्यों करने लग गया, ये तो मेन हाईवे भाई, मेन हाईवे कोई पार्किंग नहीं होगी भाई, एक मिनट भाई मेन हाईवे से पार्किंग कैंसिल करवाओ सबकी, भाई पार्किंग बंद करवाता हूँ रुको भाई, ये मेन हाईवे है यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, ये नो पार्किंग जोन है, ये लो भाई यार लग रहा है पार्किंग की दिक्कत हो रही है, पार्किंग बनानी पड़ेगी। तो भाई देखो मेन हाईवे से सारी पार्किंग वाली जो गाड़ियां थी ना जितनी पार्क होती गाड़ी सारी हट गई, मैंने हटा दिया सारी गाड़ियां यहाँ की मेन हाईवे पे की, नहीं भाई यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते तुम लोग, मैंने प्रॉपर कर दिया है। तो भाई अपने को आज यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे अपनी जो फैक्ट्री है ना प्रॉपर वो फैक्ट्री बनाते हैं आज, ठीक है। तो आज हम अपनी गेम में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाने वाले हैं, और भाई सबसे पहले तो ये प्लेन करते हैं रास्ता यहाँ पे ना, ये देखो ये उबड़ खाबड़ सा हुआ पड़ा है, सारा प्लेन करते हैं क्योंकि अब तो ये अपना खुल चुका है सिस्टम कि हम यहाँ से हम ऐसे रास्ता वगैरह प्लेन भी कर सकते हैं, तो ये प्लेन करता हूँ मैं एक बार इसको पहले। हाँ तो ये मैंने पूरा प्लेन कर दिया है, और थोड़ा सा इधर वाला जो है ना देखो ये थोड़ा सा इसे उठ गया ना, इसको सॉफ्ट कर देते, थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा करके सिर्फ इस एरिया को थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो भाई देखो ये एरिया थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट मैंने कर दिया और ये बिल्कुल प्लेन हो गया। और भाई यहाँ पे ऑयल कहाँ पे हमें वो चूज कर देखना है पहले, तो अब नेचुरल रिसोर्स देखते हैं कहाँ है हमारा। और पैसे देखो भाई कितने, वो 1,00,000 हो गए भाई पैसे, ओ भाई साहब 1,00,000 पैसे हो गए हमारे पास। वैसे भाई फैक्ट्री वगैरह की डिमांड भी ज्यादा आ रही है, और अपन नेचुरल रिसोर्स देख लेते हैं यहाँ पे है। तो भाई ये नेचुरल रिसोर्स ये है सारा, ये जो एरिया है ना ये नेचुरल रिसोर्स है हमारा, और ये सारा ऑयल है। तो पहले तो ये हाईवे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें हाईवे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हाईवे आगे बढ़ा देते हैं पहले। तो ये वाला रोड लगा हुआ था वो हाईवे का, और ये हाईवे आगे जाएगा यहाँ से ऐसे, ओके। तो ये कहाँ तक जा रहा है, यहीं तक ले लेते हैं, पूरा ही ले लेता हूँ इसको, ठीक है। एंड ये यहाँ आ गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको अपडेट कर देते हैं, हो गया। और ये डबल लेन वाला कहाँ गया हमारा, ये रहा, और ये भी अपडेट हो जाएगा डबल लेन वाला, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ऐसे हो जाएगा, ओके डन है मामला, इतना तो हो गया। और अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो जोनिंग करनी है, तो जोनिंग करते हैं और इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल बनाते हैं यहाँ पे, पूरे एक इंडस्ट्री एरिया बनाना पड़ेगा सारा में। तो ये
इतना एरिया जो है ये सारा इंडस्ट्री एरिया होगा हमारा, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री लगेंगी, ठीक है भाई, इतने एरिया में अपनी फैक्ट्री लगेगी। एक मिनट भाई, बिजली चली गई यहाँ पे, बिजली पानी की दिक्कत होगी अब सबको, एक बार बिजली भेज दूँ वापस यहाँ पे, नहीं तो भाई सारे अभी बोलेंगे पानी गया पानी गया, तो पानी ख़त्म नहीं करना अभी भाई। लो भाई बिजली लो प्रॉपर तुम, ठीक है वापस से बिजली कर दी सबको, दे दी मैंने बिजली, बिजली बिजली नहीं करना भाई, ठीक है सबको बिजली दे दी है, पानी वापस आ जाएगा अभी आ जाएगा भाई, भाई 5 मिनट में पानी आ जाएगा सबके पास। हाँ भाई सबके पास पानी आ गया, ठीक है। और अब गेम को करते हैं थोड़ा सा पोज, नहीं पोज तो नहीं करते हैं, पैसा कमाना जरूरी है भाई, पैसा तो बनना चाहिए ना, ठीक है तो गेम चलने देते हैं। तो अब यहाँ से रास्ता बनाते हैं आगे का, ठीक है, तो जिससे मतलब अपनी फैक्ट्रीज वगैरह वो बनेंगी प्रॉपर। ये देखो सारा एरिया ऑयल ऑयल का लिए है, ये सारा एरिया ऑयल वाला है, ये प्रॉपर ऐसे जाएगा यहाँ तक, ऐसे ये ग्रिड पूरा ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा यहाँ तक पूरा। चल अभी यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है, एंड ये वापस आ गया ऐसे, ठीक है। ये सारा मतलब इसके अंदर अंदर में हमारा पूरा वो लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, जितने में लगा सकेंगे उतने में लगा देंगे फैक्ट्री, मतलब जितने एरिया में फैक्ट्री लग सकेगी उतने एरिया में फैक्ट्री लगा देंगे, बाकी जितना भी एरिया उसमें घर दुकान वगैरह लग जाएगी, यहाँ पे दुकान वगैरह घर वगैरह बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। घर दुकान वगैरह बनानी भी तो जरूरी है ना। तो देखो भाई ये ऐसे हो गया कुछ, ठीक है सीन। और अब लगाते हैं भाई इसके अंदर, इसके अंदर भी पूरा ऐसे प्रॉपर ग्रिड वगैरह बनानी पड़ेगी मुझे, तो बनाते हैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पे हाईवे से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे डायरेक्ट यहाँ लेके आएंगे, ये ऐसे कनेक्ट होगा, हाईवे से कनेक्ट नहीं करेंगे उसको। और भाई रुक जाओ, पानी की कमी होगी फिर से लोगों के पास, पानी यहाँ पे क्योंकि कटेगी ना तार, तो ये दिक्कत दे रहा होगा ये। अब चला जाएगा पानी, फिर से सबके पास पानी आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और ये प्रॉपर अंदर की साइड भी ग्रिड व्यू बने देते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर ग्रिड वगैरह बनानी पड़ेगी यहाँ पे भी, तो वो बनाते हैं सबसे पहले। तो ये ऐसे जाएगा पूरा लंबा सीधा, ठीक है चला गया, ठीक है। और यहाँ से एक, यहाँ से नहीं जाएगा ये, यहाँ से जाएगा एक ऐसे, ये चला गया, ठीक है। एंड एक और ले लेते हैं फिर यहाँ से ऐसे, ये लो भाई गया। और अब फिर से यहीं से एक ऐसे, ये भी आ गया। और फिर से एक यहाँ से सेंटर में से सीधी सीधी ले जाते हैं, ये आगे सीधी सीधी, ठीक है। और इसको करते हैं ऐसे कनेक्ट, इसको यहाँ पे कनेक्ट, वैसे यहाँ पे नहीं करते हैं, ये बड़ी बड़ी भी थोड़ा एरिया छोड़ना चाहिए ना, ये लंबा लंबा एरिया छोड़ दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये ठीक है। फैक्ट्री एरिया बना देंगे यहाँ पे, हम फैक्ट्रीज बनाएंगे पानी के पास की फैक्ट्रीज होंगे, ये यहाँ से आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ से एक रास्ता देते हैं अंदर जाने का, गाड़ियों का जो ट्रक वगैरह होंगे उनके लिए रास्ता भाई, उनके लिए प्रॉपर रास्ता होना चाहिए ट्रक वगैरह के लिए मेन, तो ठीक है। और जो हमारी आम पब्लिक आएगी उनके लिए भी रास्ता होना चाहिए ना, यहाँ पे एक ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि भाई लोग तो यहीं पे रहेंगे ना, वो यहीं से तो जाएंगे अंदर। तो लो भाई ये प्रॉपर ऐसे मैंने पूरा, देखो कितना सही लग रहा है ना। अब भाई अब यहाँ पे लगाते हैं अपने ऑयल की, भाई ऑयल इंडस्ट्री एरिया, भाई ऑयल इंडस्ट्री लगाते हैं यहाँ पे, ऑयल इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग आ गई भाई, मेन बिल्डिंग कहाँ लगेगी ये देखने पड़े जगह। अरे मैंने इतनी चौड़ी है मेन बिल्डिंग भाई, ये तोड़ना पड़ेगा, रुको फिर तो भाई ये तोड़ना पड़ेगा रोड, एक कौन सा रोड तोड़े ये देखना पड़ेगा, रुको मेन बिल्डिंग लगाने के लिए हमें रोड तोड़ना पड़ेगा एक, यही तोड़ देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ लगाते हैं मेन बिल्डिंग, तो लो भाई मेन बिल्डिंग लगते साथ और भी बहुत कुछ खुल गया, तो अब सब कुछ चेक करते हैं। तो इधर तो नहीं है, इसमें क्या ये क्या खुला है भाई, छोटे छोटे वो खुल गए जिससे मतलब ऑयल खुदेगा, वो चीज़ खुल गई, तो ये लगाते हैं यहाँ पे बहुत सारी जगह पे। ये लो भाई ये मैंने कितने लगा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा दिए, ठीक है। और ये दूसरा क्या है भाई, ये बड़े वाले हो गए, ये बड़े वाले यहाँ लगाते हैं इसके बराबर में ना, ये यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, रुको भाई पैसे खत्म। बड़े वाला महंगा है क्या, 25,000 रुपये का है भाई बड़े वाला महंगा है भाई यार। फिर स्टोरेज तो लगी नहीं, स्टोरेज लगानी भी तो जरूरी है, ये क्या है ऑयल इंडस्ट्री, फैंस भी लगानी पड़ेगी क्या, मैं फैंस फून सोच नहीं लगा रहा भाई। स्टोरेज आ गई आगे, स्टोरेज भी खुल गई, तो अरे स्टोरेज भी काफी बड़ी है, इसको भी कहीं लगाना देखना पड़ेगा, ये कहाँ फिट बैठेगी, यहाँ बैठ गए चलो फिट, स्टोरेज भी वहाँ लगा दी मैंने प्रॉपर। अभी तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत धीरे 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 खुलेगा, तो स्पीड बढ़ाते हैं गेम की, एक तो पैसे कमाना है क्योंकि हमें बहुत। और भाई पानी कमी हो गई यहाँ पे, पानी लाओ, पानी लेके आओ भाई। तो पहले यहाँ तो एक तो सीधा रोड से ऐसे कनेक्शन देंगे, एक ये सीधा जाना चाहिए ना रोड से। एक मिनट भाई ये कहाँ से गया हुआ है पानी का कनेक्शन, ये वहाँ से हटा के सीधा दो भाई, यहाँ से ये हटाओ सारा, ये पता नहीं कहाँ गया हुई है पाइपें, समझ नहीं आई मेरे को, ठीक है सीधे ही एक आ गया ऐसी। और अब एक चली जाएगी इधर से अंदर की साइड, इधर की साइड एक यहाँ से आके सीधे यहाँ पे कनेक्ट, और एक आएगी और ऐसे यहाँ से बीच में से आएगी बिल्कुल, जो जाएगी यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। सबको पानी मिलना चाहिए, एक यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, लो भाई सबसे कनेक्ट हो गया ना, ठीक है सबसे कनेक्शन मिल गया इसको। और अब आई थोड़ी सी बिजली की दिक्कत, तो बिजली की दिक्कत के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे घर दे देते हैं यहाँ पे, इतने में तो घर बना ले लो, इतने में घर बना लो, और यहाँ बना लो कमर्शियल की दुकानें, ये बन गई दुकानें सारी, ठीक है। और यहाँ पे वो कर लेंगे, इधर सारा अपना फैक्ट्री एरिया हो ही जाएगा सारा ये, ठीक है ये पूरा कवर हो जाएगा। और बिजली आई गई है, ये घर वर बने तो बिजली सबके पास पहुंच जाएगी धीरे धीरे, और भाई अपनी ऑयल इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी काम करने के लिए। ये क्या कह रहा है,
नॉट इनफ रो मटेरियल। भाई रो मटेरियल आएगा ना, अभी काम शुरू हुआ धीरे 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 काम शुरू हुआ है। भाई देखो ट्रक आ गए, देखो आ गए ट्रक, रो मटेरियल आना शुरू हो जाएगा अभी धीरे धीरे। ये पोल्यूशन करते हैं ये, यहाँ पोल्यूशन लग करते हैं भाई मेरे ख्याल से ये। देखो एक बार चेक करता हूँ, रुको। हाँ भाई पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन करते हैं ये। तो एक और लगाते हैं, अब तो पास पैसा आ गया, एक और लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये भाई ये देखो, एक देखो कैसे पोल्यूशन करने शुरू कर दिया इसने, फुल पोल्यूशन चल रहा है भाई। नेचुरल रिसोर्स पहुंच गए इनके पास भी, ठीक है बढ़िया। पैसा वैसा आने लग जाएगा तो इसको भी बढ़िया बढ़िया बनाते रहेंगे भाई। 15 वर्कर्स आ चुके हैं 45 में से, और देखते हैं लॉस में चल रहा होगा अभी तो, अभी तो माइनस में चल रहा है भाई, धीरे 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 प्लस में होएगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।